सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। विशेष रूप से इमरजेंसी के बाद उनका राजनीतिक उदय हुआ और उसके बाद में वो लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। पूरे परिवार को मेरी तरफ से संवेदना भी देना चाहूँगा। भगवान ईश्वर करे कि उनको सभी को शक्ति दे। मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा योगदान जो वर्षों तक लोग याद रखेंगे, देश की जनता याद रखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर मूल भारतवासी याद रखेगा, वो ये था कि चाहे एक व्यक्ति हो या बड़ी संख्या में भारतवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आए तो दीदी स्वयं चिंता करती थी, रात रात भर बैठ के चाहे एक नर्स को लौटने की क्यों ना विषय। निधन पर हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफी दुख है। जब वो निधन का समाचार मिला और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। किसी से वो चाहे वो अपोजिशन के लोगों सबके साथ वो मिक्स होती रहती थी और तथ्यों के आधार पर मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रार्थना करी उनका आत्मा की शांति मिले, उनका प्रेम और प्यार हमेशा जब तक सांस मेरी चलेगी मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहूंगी। ये धरती छोड़कर गई है लेकिन कहीं न कहीं अच्छे जगह पर ही रहेंगी। उनका जो स्वरूप था दूसरे का कल्याण करने का और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति उनका श्रद्धा था, प्रेम था, उनमें एक आत्मविश्वास था और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत से करती थी और हम लोग को शिक्षा देती रहती थी। अंतिम टाइम मुलाकात हुई, आए थे मिलने के लिए जब वो अपने वहां पर थी, यहां पर आई तो मैं कई सांसदों को कही थी कि चलो बहुत मिलने का मन कर रहा है लेकिन ड्यूटी इतनी कड़ी थी कि हम लोग हमेशा हाउस में मौजूद रहते थे। बार बार इच्छा होती थी, मैं कई सांसदों को कही एक बार चलते हैं मिलने के लिए।